हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 4 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जितनी भी फ्री क्लासेज होती है वो सब टेलीग्राम पर ही शेयर करी जाती है, तो आप ध्यान रखें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन करंट अफेयर से। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नौ सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 4 दिसंबर। आज के दिन हम लोग हर साल इंडियन नेवी को ट्रिब्यूट देते हैं, भारतीय नौ सेना दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वेमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो वेमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित करी गई हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। और ये बेसिकली भारतीय एथलीट है। साल 2003 में ये पहली बार भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज लेकर आई थी। इतना ही नहीं, 2005 में IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। और आज की डेट में ये एक रिटायर्ड एथलीट है, और इस टाइम पे ये अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी चलाती हैं यूथ गर्ल्स के लिए, उसमें उनको ट्रेंड करती हैं एथलीट फॉर्म में। और दूसरी चीज, इतना ही नहीं, ये जेंडर इक्वलिटी के लिए भी आवाज उठाती रहती हैं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया वुमेन ऑफ द ईयर बाई वर्ल्ड एथलेटिक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर बाई ओयो रूम्स। ओयो रूम्स के द्वारा अभी हाल ही में ओयो के स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो रणनीतिक समूह सलाहकार अभी हाल ही में बनाए गए हैं रजनीश कुमार जी। और रजनीश कुमार कौन है? ये SBI के चेयरपर्सन रह चुके हैं पहले। ओके, और ओयो रूम्स की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और इसके CEO हैं रितेश अग्रवाल, यही इसके फाउंडर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, जिसको रिलीज किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, एक इंडेक्स जारी किया गया है, और इसका नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च किया है, तो इस इंडेक्स को टॉप किया है कौन से शहर ने? तो ये शहर है तल अवी। क्या बोलते हैं? तल अवी। ये कहाँ का शहर है? ये इसराइल का शहर है। अब समझिए यहां पर इस इंडेक्स का मतलब क्या है। नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, इसका नाम है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मतलब कहने का कि कौन से वो शहर है पूरे दुनिया में जहां पर रहने पे आपका मेंटेनेंस जो है ये सबसे ज्यादा हाई लगता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जहां पर लिविंग काफी कॉस्टली है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली शहर इस साल डिक्लेयर किया गया है 2021 का, तल अवी इसराइल का। और इसराइल में अभी कुछ ही टाइम पहले नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट, और इसराइल के नए राष्ट्रपति भी अभी कुछ ही टाइम पहले अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम है इशाक हेरजोग। क्या नाम है? इशाक हेरजोग। बाय द वे, इस लिस्ट में सबसे लास्ट पे कौन सा शहर रहा? तो ध्यान रखिएगा, ये सीरिया की कैपिटल दमास्कस। क्या नाम है? दमास्कस, जो कि सीरिया की कैपिटल है। मतलब आप बोल सकते हो पूरी दुनिया में दमास्कस वो शहर है जहां पर रहना सबसे कम एक्सपेंसिव है, या आप बोल सकते हो रहना सबसे चीप है। ओके, अगला क्वेश्चन है, साउथ सूडान इज वन ऑफ द 40 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। कहने का मतलब यह है कि दुनिया के 40 देशों में से साउथ सूडान एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा उच्चतम दरें हैं बाल विवाह की। मतलब बाल विवाह जहां पर सबसे ज्यादा किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में साउथ सूडान की सरकार ने फैसला लिया है कि कौन से साल तक बाल विवाह की प्रथा को खत्म कर देंगे साउथ सूडान के अंदर। तो साउथ सूडान की सरकार ने फैसला लिया है कि साल 2030 तक साउथ सूडान में पूरे तरीके से बाल विवाह को खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा एक इंस्टीट्यूट है जिसने अभी हाल ही में हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए एक वियरेबल डिवाइस बनाई हुई है। मतलब कहने का यह है कि यह कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि ऐसे लोग जो कि सुन नहीं पाते हैं उनके लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई हुई है जो कि उसे कानों में पहन लेंगे तो आराम से उन्हें प्रॉपर हियरिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी। कहने का मतलब आराम से वो सुन सकते हैं तरह तरह के साउंड्स को। तो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा दो तरीके की डिवाइस बनाई गई हैं, ठीक है। एक तो आपकी
एक्सपर्ट्स डिवाइस बनाई गई है जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो आपको बेटर एक्सपीरियंस देगी, और एक आपकी लो कैटेगरी पे बनाई गई है, मतलब आप जैसी चाहें वैसे उसे परचेज कर सकते हैं। तो एक डिवाइस का नाम है वाइब, क्या नाम है? वाइब। और दूसरी जो डिवाइस बनाई है इसका नाम है आई जेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों वियरेबल डिवाइस है, इसको कान में पहना जा सकता है और उसके बाद आपको सारी चीजें प्रॉपर सुनाई देंगी, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, वाइब और आई जेस्ट नाम की दोनों डिवाइस बनाई हैं आईआईटी मद्रास में। इस साल 2021 में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे रहा नंबर वन पे। अगर आपसे पूछा जाए साल 2021 में मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन सा कॉलेज नंबर वन पे रहा है, तो ये है आईआईएम अहमदाबाद। और अगर आपसे पूछा जाए रिसर्च में कौन रहा है नंबर वन पे, तो आंसर होगा आईआईएससी बैंगलोर, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट इनफाइनाइट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार ये बैंक है आईडीएफसी बैंक जिसने मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब समझिए, यहां पर मेटल डेबिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि ये मेटल का बना है, मतलब धातु का बना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेटल डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपको सारी सर्विसेज बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि आईडीएफसी ने फर्स्ट टाइम स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो नाम इसका ध्यान रखिएगा बैंक का आईडीएफसी बैंक। एंड बाय द वे, आईडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी साल 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी, यस बैंक साल 2004 में स्थापित किया गया है, और एचडीएफसी बैंक 1994 में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, एंड एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद बेवेरियन यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी? कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में जर्मनी की बेवेरियन यूनिवर्सिटी के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ये राज्य सरकार है कर्नाटक में, बिसाव राजबोम्मई की सरकार। अब देखिए, कर्नाटक सरकार इसके तहत क्या करना चाहती है, कर्नाटक के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जर्मन क्लास एजुकेशन दी जाएगी। मीन्स जर्मनी से कई सारे एडुकेटर बुलाकर यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाएगा लगातार। और इसका जो पहला सेमिनार होने जा रहा है, ये सेमिनार होगा फरवरी 2022 में, मतलब कहने का आप बोल सकते हो करीब 2 महीने बाद इसका सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, इनकी सरकार इसी साल अभी फिर से आ गई है, तो पिनाराय विजयन दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। और गुजरात में अभी हाल ही में मुश्किल से 2 महीने पहले ही भूपेंद्र पटेल की सरकार आई है। यहाँ पर विजय रूपानी ने जब रिजाइन कर दिया तो उसके बाद भूपेंद्र पटेल बने हैं नए मुख्यमंत्री गुजरात के। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो इस बार प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन के 5वें एडिशन का उद्घाटन किया हुआ है, या 5वें संस्करण का आप बोल सकते हो उद्घाटन किया हुआ है। अब देखिए, इसका मेन मोटो क्या है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को लेकर ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका पहली चीज रीजन आप समझ लो, क्योंकि आज है 4 दिसंबर, परसों के दिन 6 दिसंबर को बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ था, तो हर साल 6 दिसंबर को उन्हें याद किया जाता है उनकी पुण्यतिथि के रूप में। इतना ही नहीं, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे बी आर अम्बेडकर, तो एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट है। और इस बार 5वां संस्करण अंबेडकर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब इस सम्मेलन का मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो ये होगा कि पूरे भारत के भर के अंदर जितने भी युवा स्टूडेंट्स हैं, जो कि यंगस्टर स्टूडेंट हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी सहायता दी जाएंगी। इतना ही नहीं, साथ में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अप्रूव्ड फंडिंग ऑफ ₹3,752 करोड़ फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड ऑल्सो
मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एजुकेशन। कहने का मतलब यह है कि एक कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में 3,752 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है भारत के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारत के अंदर शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए, और साथ में कोविड 19 का फर्क एजुकेशन में ना पड़े उसमें भारत की मदद करने के लिए। तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने 3,752 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के लिए आवंटित करी हुई है। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसासुगु असाकावा। बाय द वे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना साल 2014 में करी गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 और एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। एडीबी का मैं आपको बता ही चुका हूं। और इस स्कीम के तहत आपको बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये जो 3,752 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इन पैसों की मदद से आसाम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों के अंदर 1,800 गवर्नमेंट स्कूलों का जो स्तर है वो पहले से और अच्छा कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में किसानों को लोन देने के लिए अडानी कैपिटल के साथ पैक्ट साइन किया है। तो किसानों को लोन देगा ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके लिए इन्होंने अडानी कैपिटल ग्रुप के साथ पैक्ट अभी हाल ही में साइन किया है। ऐसे किसान जो कि कृषि से रिलेटेड इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे कि छिड़काव करने वाली मशीन हो गई, ट्रैक्टर हो गया, इस तरीके के कोई भी इक्विपमेंट अगर किसान लेना चाहते हैं तो एसबीआई उनको डायरेक्ट लोन देगा। और ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग एसबीआई को कौन करेगा? अडानी कैपिटल करेगा। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी, बीओबी की स्थापना 1908 में, आईसीआईसीआई बैंक 1994, एचडीएफसी भी 1994। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई, आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है वडोदरा, बीओबी का हेडक्वार्टर भी वडोदरा और एसबीआई का मुंबई। एचडीएफसी के चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन, आईसीआईसीआई के हैं संदीप बख्शी, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्ढा और एसबीआई के हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर यह कौन सा देश है पूरी दुनिया का जो कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है? तो यह देश है अमेरिका, यूएसए रहा नंबर वन पे। और आपको पता है इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इस रिपोर्ट का नाम है रिकॉनिंग, ऐसे लिखा जाएगा रिकॉनिंग विद द यूएस रोल इन ग्लोबल ओशियन प्लास्टिक वेस्ट। तो ये वो रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सबसे बड़े पैमाने में प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने में मदद करी हुई है, ठीक है। और यूएस ने अभी तक 42 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को अरेंज किया हुआ है, जो कि अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो चाइना को भी मिला देने के बाद उससे भी दो गुना है। मतलब एक तरफ आप चाइना और सारे कंट्रीज रख दीजिए और दूसरी तरफ अमेरिका रख दीजिए, तो जितना चाइना और दूसरे देशों ने मिलकर किया हुआ है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट, उसका दो गुने से भी ज्यादा अमेरिका ने किया हुआ है, जो कि है 42 मिलियन मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन वेमेन्स एयर राइफल गोल्ड एट द 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन 2021। अभी हाल ही में हुए 2021 के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन में, जो कि 64वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया, इसमें विमेन्स एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली है राजश्री सचेती। क्या नाम है? राजश्री सचेती, इन्होंने गोल्ड जीता है। अब सेम इवेंट में जीना किथा, इन्होंने सिल्वर जीता हुआ है, और श्रेया अग्रवाल, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। तो जैसा लिखा हुआ है सेम वैसा ही है, नाम ध्यान रखिएगा। राजश्री सचेती ने जीता हुआ है गोल्ड, जीना किथा ने जीता हुआ है सिल्वर, और श्रेया अग्रवाल ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बायोग्राफी जिसका नाम है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड विंस एनआईएफ बुक प्राइज 2021। कहने का मतलब यह है कि यह बायोग्राफी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसके ऑथर कौन है? इनकी इस किताब की वजह से अभी हाल ही में इन्होंने एनआईएफ बुक प्राइज 2021 जीता है। तो इसके राइटर है दिनियार पटेल। क्या नाम है? दिनियार पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में IGLA-1M जो कि एक मिसाइल है, ठीक है, इसे रिफर्बिशमेंट करने के लिए इनमें से कौन सी हमारी डिफेंस यूनिट है
जिसने बीडीएल के साथ पैक्ट साइन किया है, मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है, तो ये है हमारी इंडियन आर्मी। अब देखो ये क्या है ना, IGLA-1M जो है ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल है इनको ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको पहले से बेहतर बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड IGLA-1M इक्विपमेंट को हमारी इंडियन आर्मी के लिए और बेहतर बनाकर इसे देगी। ओके, एंड बाय द वे आपको एक चीज यहां पर इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं। ये जो है मिसाइल IGLA-1M, इसको अगले 10 साल तक यूज किया जाएगा लीज पर, ठीक है? और ये लीज पर हमने किससे ली हुई है, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइलें लीज पर हैं रशिया की तरफ से। और इंडियन आर्मी चीफ इस टाइम पे कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO की स्थापना 1958 में करी गई थी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन नेवी डे हम लोग आज मना रहे हैं 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन भी यही है कि नौसेना दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं, तो आज ही हम लोग मना रहे हैं 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस हर साल मनाते हैं, भारतीय नौसेना को ये ट्रिब्यूट है। और इस बार की थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम आपके सामने लिखी हुई है, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। दिस इज द थीम ऑफ 2021 इंडियन नेवी डे। अनअकैडमी पर मेरे फुल कोर्स के लिए आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके तहत आपको इस टाइम पर जो ऑफर चल रहा है वो मिल जाएगा, जैसे कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। और इसकी मदद से दूसरे कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हो, जैसे UPSC, State PSC, IIT, JEE, कोई भी। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।